क्राउड बहुत ज्यादा है, मीडिया वाले सारे हैं। अगर पेपरों में आपकी ऐसी फोटो छपी तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान खोल उठेगा, फेस को कवर करना पड़ेगा। एक रुपए नहीं, दो रुपए नहीं, पूरे 35,000 करोड़ का घपला किया है उसने। गरीबों को रोटी दिलवाई, पढ़ाया लिखाया, उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? कौन है ये? पीछे हटाओ, पकड़ो उसे। कम से कम 10 साल की सख्त सजा तो जरूर होगी। हमारे गांव के सड़क 10 साल से अधूरी थी, 10 दिन में पूरी करवा दी। एक नंबर का फ्रॉड है। हमारे जिले में 10,000 लोगों को नौकरी दिलवाई है। ठूस दो साले को जेल में जिंदगी भर सुनता रहे। उसके बदन पर एक खरोच भी आई ना तो याद रखना पूरे हिंदुस्तान को जला देंगे। नाम? शिवाजी। बाप का नाम? आरमुखम। अरे वो आगे। नमस्ते जी। क्या भाई, मर्डर किया क्या? हम्म। फाइनेंस कंपनी का कोई फ्रॉड किया क्या? नहीं। सेक्स फिल्म बनाकर नेट पर चलाई क्या? नहीं। तो फिर किया क्या है तुमने? देश का भला किया। तब तो भैया जेल होनी ही थी। कौन आ रहा है? हमारा बेटा शिवाजी अमेरिका से आ रहा है। मैं एसएमएस भेजता हूँ तो जवाब भी नहीं, और शिवाजी का नाम सुन के पटा से। Hey, shut up. हाय जीजी। हाय जीजा। हाय साले। They are the producers of Shivaji. Parents, mummy, papa. Shivaji ke mummy, papa ko itta, to Shivaji ko kitta? सम्राट। जीते रहो बेटा, हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। जीते रहो बेटा। इधर। मामा कैसे हो तुम? मामा, तुमने मुझे मामा कहा? तुम्हारे दोस्त की उम्र का हूँ मैं। कूल। हाँ। माँ के भाई को मामा नहीं तो क्या मौसा कहूंगा? ये सब कौन है? ये हमारे शहर का लेटेस्ट हैवी ड्यूटी हाइपर मॉल। दीदी आते ही तुम्हारी शादी करना चाहती थी, इसलिए सबको उठा लाया मैं। इनमें से एक को पसंद कर लो, फौरन फिक्स कर देंगे। देखा देखा, शुरू कर देना मामागिरी। हाय, आई एम विभूति। दीदा जी आंखें बंद करो। ये तो गले ही पड़ गए। ए मामा, इंडिया बहुत आगे निकल गया। ओके गए, मेरी खातिर इतनी दूर आने के लिए आप सबको थैंक्स। इवनिंग पार्टी अरेंज की है ना? सी यू देयर। बेटा शिवाजी, तू अमेरिका में काम क्या करता है? कोई पूछता है तो मैं बता ही नहीं पाती। सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्ट। माँ हिंदी में बोल बेटा। संगणक अभियांत्रिक तंत्रक। अब समझ में आया? कंप्यूटर इंजीनियर है। Cool. Is this India? Yes, modern India. पता है, लिवाइस पैंट से लेकर रोलेक्स वॉच तक सब कुछ यहाँ आ गया है। सब थोड़े पैसे दो तो साहब, 4 दिन से कुछ नहीं खाया बच्चे ने। सब कुछ आ गया, लेकिन ये नहीं गया। भगवान आपका भला करे।
इस बार कितने दिन रुकोगे बेटा? अब तो यहीं रहूंगा बाबा। अमीरों को और अमीर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बना बनाकर बहुत पैसा कमा लिया, अब वो सारे पैसे यहाँ लोगों की भलाई के लिए खर्च करना चाहता है। ग्रेट शिवाजी, करीब 250 करोड़ कमाए होंगे सिर्फ $10 का। वाओ, नमस्ते सर। आइए सर। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते शिवाजी, आप हैं ग्रेट आदि शेषन। नमस्ते। स्टेट की कई शिक्षा संस्थाएं, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज के मालिक, इनका विजिटिंग कार्ड मेनू कार्ड के बराबर है। बहुत बड़ी हस्ती हैं ये, सरकार इनके इशारे पर नाचती है मालूम? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक अदना सा सेवक हूँ, बस इतना है। फ्रेंड्स, मेरा जन्म एक गरीब किसान के घर पर हुआ। मेरे माँ बाबा ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत कष्ट उठाए। मैं अमेरिका गया स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई की, तब जाकर इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। मैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूं। हमारे देश में गरीबी अब तक नहीं हटी, सिर्फ अच्छी शिक्षा से गरीबी हट सकती है। इसलिए मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी शुरू करके LKG से PhD तक, आर्ट से लेकर मेडिकल तक, सबको मुफ्त शिक्षा देना चाहता हूं। शिवाजी हॉस्पिटल शुरू करके उनमें ENT से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी तक नई से नई तकनीक मंगवा कर सबको मुफ्त में ट्रीटमेंट दिलवाऊंगा। तो मेरे शिवाजी फाउंडेशन की कामयाबी के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। शुक्रिया। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। समय निकाल कर आने के लिए शुक्रिया। तो अच्छी बात है, आपको जो भी मदद चाहिए मैं कर दूंगा, अब जब चाहे मुझसे आकर मिल सकते हैं। शुक्रिया। मुझे अपनी मिट्टी का गाना चाहिए, एक हिंदुस्तानी गाना, सॉन्ग एंड डांस मिलेगा। सूरज है, चंदा है, ये कौन है, ये छत से बोलो, राणा सांगा वीर शिवाजी, बोलो बोलो फट से बोलो। सूरज है, चंदा है, ये कौन है, ये छत से बोलो, राणा सांगा वीर शिवाजी, बोलो बोलो फट से बोलो। देखो देखो देखो, इसको लगता है ये चीता, हमको पूछो पूछो पूछो, सबको पाप भरे जो शिव है क्या वो। हे बल्ले रखा, बल्ले रखा, मद्रास का, मुंबई का, कर्नाटक का, कोलकाता का, तिरुपति का। हे बल्ले रखा, हर फन मौला दुनिया भर का, भाई आया भारत होगा अमेरिका। गाँव की नदियाँ, गाँव की खुशबू, भूलेगा कोई क्या। ओ हो हो हो, उड़ती चुनरिया, बोलती अखियाँ, भूलेगा कोई क्या। अपनी सरस खेती, चिकनी चिकनी काली रेती, लाल मिट्टी वाली रोड, गड़बड़ 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 सड़बड़ खेल खेले, पिले 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 सरसों के पुलवा, छोटी 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 ओसों की बूंदे, मीठा 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 घी का हलवा, छुक 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 रेल की सीटी, कल 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 बहती नदियाँ, झटपट झटपट बान की लैया, बड़े 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 मर्दों की बूझे, दिल से जाए नहीं 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 हरे रे गांव की झोपड़ी में कुछ पल रह के तो देखो, उसके छोटे से छेद से तारे गिन के तो देखो, थोड़ा सेल फोन घंटी बंद करके तुम भंवरे की गुनगुन सुन लो, नंगे पाँव से जमी पे चल के धरती से बातें करेंगे हम, बच्चे बन जाए हम। आज पेड़ की छटा से गोंद के कैसे बनाएंगे, अरे हम गांव के देव से तलवार छीन के पेंसिल छील लेंगे। हे बल्ले रखा, बल्ले रखा, मद्रास का, मुंबई।
का हलवा चुक 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 रेल की सीटी कल 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 बहती नदियां झड़ बड़ झड़ बड़ पान की लैया बड़े 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 मर्दों की मुझे दिल से जाए नहीं 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 हेलो सर। हेलो, आइए इसे ऑफिस में जमा करवा दो, बाकी के 8 लाख भी नगद जमा करवा दो, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। साहब मैं अपना सब कुछ बेच चुका हूँ, अब और 8 लाख कहाँ से लाएंगे साहब, कुछ भी करके बच्चे को भर्ती करवाइए। ये 18 लाख फीस नहीं है अम्मा, इन्वेस्टमेंट है। कल को ये जब डॉक्टर बनेगा तो जरा सोचो ये कितना कमाएगा, दही तो 1 करोड़ से कम नहीं लोगे ना। मैं कैसे भी करके आपके पैसे चुका दूंगा सर, प्लीज सर, प्लीज सर। अरे आइए आइए शिवाजी, आइए आइए, अगले महीने की 10 तारीख को पैसे जमा करवा देना। ओ अंकल आइए आइए, चलिए बैठिए बैठिए। हाँ, आपके लिए सारे प्लान रेडी कर दिए हैं, कुछ 20 एकड़ लैंड लेकर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाइए, रियल एस्टेट का धंधा या फिर 5-स्टार होटल। हमें सर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनवाने के लिए हेल्प चाहिए। वो ख्याल छोड़ दीजिए, मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का धंधा पिछले 20 सालों से कर रहा हूँ। एक सीट की कीमत 3 लाख से 30 लाख तक लेता हूँ, एक ओपन हार्ट सर्जरी का 2.5 लाख रुपए लेता हूँ। आप मेरी दुकान के सामने एक दुकान खोलेंगे, 5 पैसे 10 पैसे में चने के भाव सीट बांटते फिरेंगे तो मेरे बिजनेस का क्या होगा। मैं चाहता हूँ हम दोस्त बनकर रहें। आप रियल एस्टेट का बिजनेस कीजिए, गवर्नमेंट को मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको 1 हफ्ते में मैं सारी परमिशन दिलवा दूंगा। जी नहीं, मेरा लक्ष्य वही है। तो फिर आप शौक से प्रोसीड कीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस इतना ही है कि मेरे आदमी जरा सिर फिरे हैं, मैं कुछ भी कहूंगा सुनेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। आप ही की तरह लंदन से एक NRI आया था, क्या नाम था उसका सुखबीर, हाँ, मार मार के भगाया उसे, कहाँ है कुछ अता पता नहीं, धरती के ऊपर है या नीचे भगवान ही जाने। धमका रहे हैं आप? नहीं नहीं, धमकी नहीं शिवाजी, सच्चाई बताई, आगे आप खुद ही समझदार हैं। आप मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, आपके प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हेलो, किससे मिलना है? चीफ सेक्रेटरी से मिलना है।
बहुत अच्छी योजना है, सरकार से आपको पूरी मदद मिल जाएगी। कूल। ये है पार्थ सारथी, माय पीएस। हेलो, ये आपको सब डिटेल में समझा दे। कन्या कहाँ है मामा? ढूंढना है भांजे, मंदिर मंदिर ढूंढेंगे, कोई पसंद आ जाए तो बता देना, बात पक्की कर देंगे। तेरी ऐसी की तैसी मामा, अब ये भी दिन दिखाना था मुझे? और नहीं तो क्या, तुम्हारी पसंद की घरेलू मिट्टी की खुशबू वाली लड़कियों को कॉल सेंटर कल्चर हजम कर गया। जो इक्का दुक्का बिचारी बची होंगी वो या तो शादी के मंडपों में या शुक्रवार के दिन मंदिरों में दिखाई देंगी। तो किस्मत, क्या कहते हो, आजमाए किस्मत? अबे जा। मंगला किधर ला? उधर ला, सुपर ला। मामा बात करो ना। ऑक्सफोर्ड में तुम पढ़े हो, तुम बात करो। इट्स सो एंबैरेसिंग, यू नो आई फील वेरी शाय एंड अनकंफर्टेबल टू स्पीक टू अ स्ट्रेंज वुमन, यू नो। शादी तुमको करनी है तो बात भी तुम ही करो, जाओ जा। चली गई। अरे रे रे रे, मंगला को मिस कर दिया रे। मंगला छोड़ो, इधर तो बंगला चला रहा है। अरे पोर्टिको से कुचल दिया रे। चुप रे। सर कोई भी फॉरेन गेस्ट की लार्ज मिक्स सोडा ऑर्डर कर दीजिए। सर आपके लिए लाया हूँ मैं। ये तो घर में बैठकर पिएंगे। हाँ? आपके प्रोजेक्ट के लिए फायर डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी, लोकल म्यूनिसिपलिटी, वाटर सप्लाई बोर्ड, TNEB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कुल 16 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए काउंसिल रेगुलेशन अलग है, अप्लाई करना होगा। दिल्ली वालों का भी ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर 560 लोगों के दस्तखत लेने पड़ेंगे और 720 जगह पर दस्तखत करने होंगे। एक साल तक धक्के खाने का काम है सर। ये काम जल्दी करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वन मोर लार्ज, आपके प्रोजेक्ट का बजट क्या है? 200 करोड़। उसमें से 2% मेरा, 4 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं काम करवा दूंगा। 4 करोड़ किस बात के? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट के मुख्य देवता, उप देवता, छोटे छोटे देवता, यहाँ तक कि पुजारी तक को किसी को करोड़ तो किसी को नारियल की भेंट चढ़ानी पड़ती है ना। ना चढ़ाए तो काम नहीं होगा सर। कोई मुँह खोल कर मांगेगा नहीं, सामने से देंगे तो लेगा नहीं, टाइम देकर तरीके से सलीके से देना पड़ता है। आपसे हो पाएगा ये काम, उसके लिए मैं हूँ वन स्टॉप शॉप, वन मोर लार्ज। किस लिए दूं मैं पैसा, किस लिए दूं मैं रिश्वत सबको? ईमानदारी की कमाई से सीधे रास्ते यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनवाकर लोगों को अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज देने के लिए रिश्वत क्यों दूंगा मैं? मैं क्या बिजनेस करने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ? गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। आप करते रहिए सर, मैं सेवा करने नहीं आया हूँ। यहाँ पैसे नहीं खिलवाए ना तो एक टॉयलेट तक नहीं बनवा सकते आप। मुझे आप सबकी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आई विल फॉलो ऑल द रूल्स, फिल अ ज़िलियन फॉर्म्स। सीधे रास्ते से ही सारी परमिशन लेकर आऊंगा, किसी को 10 पैसा नहीं दूंगा। हे मामा बोतल ले लो। इमोशनल मत हो शिवाजी, इन सबसे पंगा लेने कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मानो, न्यूसेंस वैल्यू है साले। अरे ये फ्रॉड है मामा, इसके जैसे बहुत देखे मैंने। ए बोतल नीचे रख। ये देकर आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, ये है मेरी यहाँ बैठकर टाइम वेस्ट करने की कंसल्टिंग फीस। और जो अभी तक गटक चुके हो वो 4 लार्ज सर्विस चार्ज। तेरी ऐसी की तैसी। जाओ जाओ, आखिर में ठोकरे खाकर मेरे पास ही आओगे। अबे जा बे गंजे, नेवर। ये तो सरासर वायलेशन है। वैल्यूएशन FBO है या CIF है? वैल्यूएशन ही गलत है, आपकी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में नहीं है, जोन कन्वर्शन करना होगा। सिटी लिमिट से बाहर है, इसीलिए तहसीलदार से NOC लेकर आइए। यहाँ 4 मंजिल से ज्यादा आप बांध ही नहीं सकते। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज रेगुलेशंस 2000 है, उसे जरा पढ़ लीजिए। पैसा इंडिया में लाने के लिए रिजर्व बैंक से क्लियरेंस लिया है क्या? सेल डीड के लिए लीगल ओपिनियन चाहिए, इसका पावर तो सेंटर के पास है। CRZ में चेक कर लीजिए। फॉर्म 1 पार्ट 136 कहाँ है? फॉर्म 73A 88B 58B 44D। इट इज अ गारंटी बेस्ट स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, वैल्यूएशन है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑनरेबल स्कीम ऑफ मद्रास एजुकेशन। शिवाजी तुम जितने भी चाहो करेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये लोग ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है यही कहकर घुमाते रहेंगे तुम्हें। दो ही रास्ते हैं, एक या तो इनको मुंह पर पैसा मारो या इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दो। यहां पैसा खिलाए बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता शिवाजी। कहा था ना पलट कर मेरे पास ही आना पड़ेगा। ये लीजिए। उसका क्या हुआ? आइटम का ना, सुइट नंबर 35 में जाइए,
सुपर नंबर, जोड़ने पर 8 आता है। फोन करोगे रेट पड़ेगी, ये लो रूम की। मामा मामा कह के मैं मामा से मामा दलाल बन गया शिवाजी। शिट, इस यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन 6 महीने में पूरा करना है। डेफिनेटली पूरा कर देंगे सर। शिवाजी एक गुड न्यूज। क्या हुआ? वो मंदिर में मिली थी ना मिट्टी की खुशबू, उसका नाम है विद्या भारती। एजुकेशन बीए, संस्कृत लिटरेचर, इसलिए कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली और वो रॉयल म्यूजिकल स्टोर में सेल्स गर्ल का काम करती है। घर पास में ही है। इसी ग्रेट हो मामा, चलो फौरन चलते हैं। अगर हम ऐसे ही अचानक जा धमके तो दरवाजे से ही वापस भेज देगी, इसलिए दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता? खास रास्ता। कौन है आप लोग? ऑफिसर्स। कैसे ऑफिसर्स? असिस्टेंट इलेक्टोरल एन्यूमरेशन ऑफिसर्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं समझाता हूँ आपको, हम आपका परिवार नियोजन करने आए हैं। वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड के लिए वोटर्स लिस्ट बनाने आए हैं। हाँ सर, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। घूरो मत, अंदर चलो। आइए सर, आइए। परिवार का मुखिया कौन है? मैं हूँ सर, रामलिंगम। उम्र? 48 साल। मुखिया की बीवी? ज्योति। उम्र? 42.5। आपके घर में जो आइटम है उसे बुलाइए। आपकी बेटी को बुलाइए। उसको क्यों बुलाएं? आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ये नहीं चलेगा, हम खुद देखकर कंफर्म करेंगे। वोटिंग लिस्ट का सवाल है, बुलाओ उसको। हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट हैं, है ना? हाँ। भारती बेटा, इन लोगों पर शक हो रहा है मुझे, इनको जरा बातचीत में लगा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। शिवाजी अपने मुंह से लार टपकाना बंद करो। स्टार्ट। आपका नाम? विद्या भारती। उम्र? 21 साल। साइज? 6। क्या 6? चप्पल का साइज। माँ ये सब क्या है? तुम खाना बना सकती हो ना, राजमा चावल पका सकती हो ना। कहाँ जा रहे हो? सोसु। ग, ग। आप जरा उनके साथ जाइए ना। कुछ अर्जेंट नहीं है, आराम से आइए, तब तक हम इन्हें पटाते हैं। हा? मतलब बताते हैं। विश्वनाथ, मिस्टर विश्वनाथ। क्या हुआ? हमारे घर में 2 चोर घुस आए हैं। फोन करके पुलिस को बुलाइए। फिक्र मत करो, छोड़ेंगे नहीं। बाबा। शिवाजी। जीजू आ गए। शिवाजी। मेरे बेटे को ये कौन है मालूम है? ये कंप्यूटर इंजीनियर है, अमेरिका रिटर्न, 250 करोड़ का मालिक। ये उसका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड का मतलब समझते हो? अमेरिका का राशन कार्ड। तो फिर इलेक्शन अधिकारी बनके इनके घर जाने की जरूरत क्या थी? हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने गए थे सर, कुछ अंदर की बातें पता लगाने। ये सब क्या है शिवाजी? मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसके बारे में हर बात जानना चाहता था। मामा ने ही मुझे ये खास आइडिया दिया था। शिवाजी को लड़की पसंद आ गई, यही तो चाहते थे हम। आप लड़की के माता पिता है ना? इधर आइए। उठो भाई, उठो। आइए आइए, ये लो सबके लिए कॉफी लेके आना चाहिए। सगाई के लिए फूल हार लाने के लिए तो बोला। हाँ वो भी लेते आना। हेलो, स्टेशन के लोग आउट ऑफ स्टेशन, ओवर। समधी जी, हम धर्मपुरी वाले हैं, जात पात मानते नहीं और दहेज हम लेंगे नहीं। ऐ सुनो, ये पुलिस स्टेशन है, शादी का मंडप नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आजकल आधी शादियां तो पुलिस स्टेशन में ही होती है ना, टेंशन क्यों लेते हो? एक डेली कैलेंडर मंगाओ, तारीख पक्की करनी है। देखो भाई, सारा खर्च हम करेंगे, पूरे रीति रिवाज के साथ शादी होगी। बेटी बच्चा हुआ तो उसे अपना दूध पिलाओगी ना? अरे क्या हो क्या रहा है? उससे पूछ रही हूँ कि पाउडर का दूध तो नहीं पिलाएगी ना, बच्चे की सेहत भी जरूरी है। मैंने अपने शिवाजी को 5 साल तक अपना दूध पिलाया था। ऐसा दिखता नहीं है कि दूध पिया है, ऐसा लगता है कि डांबर पीपी के बड़ा हुआ है। माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता बेटा। वा, 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 स्वीट मम्मी। देखिए पहले मुहूर्त में शादी कर देंगे, राजनारायण हॉल में। बस बस बहुत हो गया, तुम सब पागल हो क्या या हम लोगों को पागल समझ रखा है? जी हाँ। क्या जी हाँ? आपका तरीका बिल्कुल गलत है। आप कौन हो, क्या हो, क्यों हो, ये सब जाने बगैर शादी कैसे करवा सकते हैं? इनका बस चले तो शादी के साथ गोद भराई भी यहीं करवा दे। ए, चलो उठो सब। इंस्पेक्टर हमें घर तक के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। जाने दे भांजे, बहुत भाव खा रहे हैं, तेरे लिए 1000 लड़कियां क्यू में खड़ी हैं। नहीं मामा, अपनी पसंद की लड़की मिल जाए तो घर के आंगन में खुशियों की बहार आ जाए। ये तो ट्रक के पीछे लिखने वाला स्लोगन है। नमस्ते सर। नमस्ते। मंत्री जी हैं? आदिशेषन साहब आए हैं। आइए आइए, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। बैठिए ना। ये बेकार का नाटक बंद करो आनंदम,
मेरा एक दुश्मन शिवाजी यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अमेरिका से आया हुआ है। तुम सब क्या भाड़ झोंक रहे हो यहाँ पर? आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कोई खबर ही नहीं। नाटक मत करो, तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने सारी परमिशन दे दी है, उसने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। तुमने भी सूटकेस लिया क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए मंत्री जी, आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन में बहुत खर्चा किया है मैंने। टेंशन मत लीजिए, मैं पीए को पता करने के लिए कहता हूँ, शुरू किया है तो रुकवा भी देंगे, अभी तो बहुत स्टेज बाकी है, मैं देख लूंगा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते, शिवाजी को रोकना होगा। बजा दे उसकी। हाँ बजा डालो। कहाँ है? वहाँ है। वाओ सुपर्ब। हाय हाय। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम इंस्ट्रूमेंट खरीदने आए हैं, इसमें का बड़ा मिलेगा आपके पास। परवाह नहीं, मुझे एक ढोल चाहिए और इनको मुझे एक बांसुरी सी मीठी आवाज वाली लड़की। तुम फिर शुरू हो गए? मुझे गलत मत समझना, तुम मंदिर जाते वक्त ही घरेलू लगती हो या फुल टाइम घरेलू हो ये देखने के लिए तुम्हारे घर आए थे, सॉरी। अभी तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा हाथ। हाथ तो ऐसे मांग रहे हो जैसे समोसा, तुम हो कौन? मैं तो तुम्हारा आगे पीछा कुछ नहीं जानता। बस इतनी सी बात, ये आगा और ये पीछा, बस जान लिया ना, शादी कर लो। पागल हो क्या? उस दिन मेरे बाबा ने बोला था ना, तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, हमारा कोई मेल जोल ही नहीं है, और जिससे कोई मेल जोल ना उससे मैं शादी कैसे करूं? You are right, हमें मेल जोल बढ़ाना है, यही ना? Cool. Sister, any dispute? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बीच एक डिस्प्यूट है जो सॉल्व करना जरूरी है। कम ब्रदर, आओ आओ ब्रदर। इसके बालों में किसी ने पान थूका है क्या? तुम बात बहुत करते हो। ब्रदर तुम शिवाजी हो ना? हाँ मैं ही हूँ। और तुम? टीपू सुल्तान। सुना है ये कॉलेज हॉस्पिटल तुम ही बनवा रहे हो? तुमसे मतलब? कुछ लोगों को ये पसंद नहीं। ओ। ये आइडिया ड्रॉप कर दो, कोई कंप्यूटर कंपनी, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, कुछ भी बनाओ, पैसे कमाओ। ये बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? उड़ उड़ के मारने में मैं सुपरमैन हूँ, लटक लटक के मारने में मैं स्पाइडरमैन हूँ, ढूंढ ढूंढ के मारने में मैं बैटमैन हूँ, और मैं तुम्हारी हड्डी पसली चूर चूर करने वाला डॉबरमैन हूँ। कन्ना शिवाजी, पंच डायलॉग मारोगे क्या तुम? क्यों? हिंदुस्तान में हर कोई पंच मारने लगा है, छोटे छोटे बच्चे चुटकी बजा के बात करते हैं, छोड़ो ना यार। अच्छा तो तुम बोलो। मोबाइल कनन, कनन कनन, हाँ। पटरी पर चलती है रेलगाड़ी, शिवाजी को छुआ तो हो जाएगी डेड बॉडी, छोटे बच्चे देखते हैं पोगो, शिवाजी को मत छेड़ो गो गो, छे के बाद आता है सात, शिवाजी देगा सबको मात, कैसी रही? अब तुम रुको, जाकर उन लोगों से बोल दो मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे? मुझे नहीं लगता है डिस्प्यूट टेबल पर सॉल्व होगा, लगता है इसका बैंड बजाना ही पड़ेगा, चलो शुरू हो जाओ। Oh!
माँ इधर आओ जल्दी, वो घूस पीटिए परिवार के साथ आ गए हैं। क्यों आए हो यहाँ? मेल जोल बढ़ाने। क्या मेल जोल बढ़ाने? हाँ, आप ही ने कहा था ना, जिनसे मेल जोल ना हो उन्हें लड़की नहीं दे सकते, तो हम आ गए मेल जोल बढ़ाने। आइए मिले जुले। ये सब तुमको मजाक लगता है क्या? क्या जी हाँ, बड़े आए मेल जोल बढ़ाने वाले, आपको लड़की नहीं देंगे। समधी जी, आप भले ही हमें लड़की ना दे, मेल जोल बढ़ा के देखते, पसंद आ जाए तो शादी करा दीजिए, नहीं तो दोस्ती रहेगी। माँ चीनी क्यों, नमक डालते हैं। ये ISI मार्क लूंगी है। एक मार्क है। ए मामा, तुमको कुछ चाहिए? ये रहे क्या? नहीं, छास है। ऐसा क्या? छोटू बाहर दो बीयर लेके आओ ना। सॉरी सर, क्या पियेंगे आप? जहर। जहर? ये लो आ गया, पी लो। जल्दी से पियो और खिसको यहाँ से। अरे सिर्फ कॉफी पर टरकाओगे, मीठा नमकीन कुछ भी नहीं है। अरे ऐसे नहीं, पहली बार सपरिवार आपके घर आए हैं, कुछ मीठा कुछ नमकीन खिलाना तो अपना रिवाज है ना? लेकिन हमारा नहीं है। हा? हा? मीठा नमकीन चाहिए? हाँ अभी लाती हूँ मैं। थैंक यू। शिवाजी, ए कॉफी में चूहा मार मिला रे बाप, ये लोग मुझे मारा लग रहे बाप, एम्बुलेंस को फोन करो। हे भगवान, शहर के ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी तो नहीं पहुंच पाएगा। ये लोग मेरा टिकट कटवा कर ही मारेंगे, ये पेट के दुश्मन है रे, ये क्या मिला रे, कुछ नहीं खाना। चुप कर, विद्या भारती के हाथ से तो मैं जहर भी हंस कर खा लूंगा। हे बाप, ये सब खा के तो पिछवाड़े में लाल बत्ती जलेगी रे बाप। ए मत खाना रे, ए खा गया रे, ए सच में खा गया रे। शिवाजी वॉशरूम प्लीज। थैंक यू। कहाँ चले शिवाजी? सुसु गो गो। मेरे बेटे पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। जादू टोना नहीं, ये मिर्ची टोना है। कैच। शिवाजी क्या हुआ बेटा? नथिंग। अंदर क्या किंग कॉन्ग का ट्रेलर चल रहा था। गार्गलिंग। ओके, बहुत अच्छा रहा, मेल जोल का फर्स्ट कोर्स अच्छे से पूरा हो गया। अब अगला कोर्स ये है कि अगले संडे को आप सब हमारे घर दावत पर आइए। नहीं नहीं, नामुमकिन, हम नहीं आएंगे। देखिए, आपकी मर्जी हो तो आइए, आपकी मर्जी ना हो तो भी आइए। 11 बजे सुबह ये आपको पिकअप करने के लिए कार लेकर आ जाएंगे। आते हुए अगर आपको फल फूल मिठाई वगैरह लाने की इच्छा हो तो उसका भी इंतजाम ये कर देंगे। आना तो पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, आप बस आ जाइए। ओके, सी यू ऑन संडे। बाय बाय। आपने हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन बनना कबूल किया, बहुत अच्छा। इट्स माय प्लेजर। इस जगह पर एनाटॉमी लैब, पैथोलॉजी लैब वगैरह बनेंगे। ए, और वहां पर पड़ी हुई किले और ड्रिल मशीन लेकर आओ जल्दी। क्या हुआ मां? आप पीछे हटिए प्लीज। कोई उम्मीद है डॉक्टर? हार्ट बीट पल्स सब कुछ बंद है इसकी। प्लीज डू समथिंग डॉक्टर, लेट मी ट्राई। अभी देखता हूँ, उठाओ इसे जल्दी उठाओ, इसे हटाओ जल्दी लेटाओ, लेटाओ मत करो, पीछे हटो, लेटाओ। You're great, doctor. Thanks. आप देवता।
योद्धा बनकर आए साहब, मेरे बच्चे को बचा लिया। बस बस ठीक है, ठीक है। बच्चों को काम पर लगाना कानूनन जुर्म है, पता है ना तुम्हें? क्या करूं साहब, पढ़ाना तो चाहता हूँ, पैसा ही नहीं है। मैं दूंगा, बच्चों को पढ़ाओ। बड़ी मेहरबानी। सुनो कॉन्ट्रैक्टर, आज के बाद बच्चों को काम पर रखा तो छुट्टी कर दूंगा। रिमार्केबल डॉक्टर, मैंने सोचा अब वो नहीं बचेगा। कैसे डॉक्टर, कैसे किया आपने? इसे CPR कहा जाता है। सडनली हार्ट अगर रुक जाए तो इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के अंदर CPR देने से फिर से धड़कने लगता है। आई सी। यदि फिर भी हार्ट ने फंक्शन नहीं किया तो डिफिब्रिलेटर के जरिए शॉक देकर एक्टिव कर सकते हैं। कूल डॉक्टर। कुंभ राशि के लोग ये क्या, जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए? नहीं, उस दिन बोला था ना हम नहीं आएंगे। नहीं आओगे? वहाँ आपके लिए 656 पकवान रेडी करके आपके साथ दो कौर खाने के लिए सुबह से बिना एक बूंद पानी पिए पूरा परिवार पलक बिछा बैठा है। चलिए चलिए। हमने कहा था रेडी करने के लिए। ए मरगिल्ले, एक प्लेट के 8,000 रुपए खर्च हुए हैं। कछुए के बच्चे का कटलेट बनाया है, फोकट में आकर खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा तो है। अभी तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अभी तुम आते हो या शिवाजी को बुलाऊं? शिवाजी, ये लोग नहीं आ रहे हैं, फौरन पूरे खानदान के साथ यहाँ आ जाओ। अरे नहीं नहीं, होल्ड ऑन। क्यों जी, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? कूल, यू आर अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट टू अस, वेलकम। आइए आइए, मेल जोल बढ़ाए। वेलकम। रामू, इधर आइए। इधर जितनी भी डिशेस बनती हैं, भोग का मजा लीजिए। वेजिटेरियन में जितने डिशेस बनती है वो सभी हाजिर हैं। जिसको जो पसंद है खाइए, शर्माइए बिल्कुल भी नहीं, अपना ही घर समझिए। क्यों रामू, क्या चाहिए? आपने बोला था ना कछुए के बच्चे का कटलेट, बिल्ली के बच्चे की बिरयानी भी बनाई है। अरे वो तो तुकबंदी के लिए बोला था। लॉबस्टर, पोटिका, हैदराबादी बिरयानी। आओ, शादी के बाद ये कमरा हमारा होगा। यस, ये सब मैंने तुम्हारे लिए खरीद कर रखी है। ये बाहर जाते वक्त पहनने के लिए, ये घर में पहनने के लिए, और ये रहे मैचिंग ब्लाउज। ये तुम्हारे गहने और सेवर, सोप, शैम्पू, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स। प्रेगनेंसी में तुम्हारे खाने के लिए हेल्दी फूड एंड मेडिसिंस। हमारे होने वाले बच्चे के लिए 3 साल तक जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो सब कुछ इसमें है। लड़का हुआ तो ये सब, लड़की हुई तो ये सब। तुम्हारे यहां आने के बाद Day 1 से तुम्हें खुश रखने के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है मैंने। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी पल के झुकाकर हां कहना है। Cool. मुस्कान तुम्हारी है काफी, खिल जाती है मेरे दिल की कली। तेरी पायल छम छम बोल पड़ी, मेरी कविता में रस घोल पड़ी। बाजी बाजी बाजी, मेरा जीवन है शिवाजी। बाजी बाजी बाजी, मेरा जीवन है शिवाजी। जावाज तू मुझ पे जादू कर दे रे, सांसों की मीठी खुशबू मेरी सांसों में भर दे। ये कमल मेरे सीने से लगा के घायल मुझको कर दे रे। बाजी बाजी बाजी, मेरा जीवन है शिवाजी। बाजी बाजी बाजी, मेरा जीवन है शिवाजी। परी है तू अव्वल अव्वल, हुस्न तेरा मखमल
मखमल। करमवीर प्यार का बाजी 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 मेरा जीवन है शिवाजी, बाजी 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 मेरा जीवन है शिवाजी। परी है तू अव्वल अव्वल, हुस्न तेरा मखमल मखमल। वायलेशन सर, सरकार की ओर से फौरन इसे तोड़ने के ऑर्डर्स आए हैं। होली शिट, ये क्या मजाक है? सारे क्लियरेंस लेकर करोड़ों खर्च करके मेरा जब आधे से ज्यादा काम हो गया तब बोल रहे हो वायलेशन है। सर, इस एरिया में गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ए, काम रोको। हेलो, सब बाहर निकलो। अगर काम रोका गया तो अच्छा नहीं होगा। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो एक सरकारी नौकर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है मिनिस्टर को जाकर कहिए। अधिकारियों के दस्तखत से क्या होता है? मैं मिनिस्टर किस लिए बैठा हूँ? मेरे पास नहीं आ सकते थे आप लोग? सॉरी, आपके पास आना चाहिए था, गलती हो गई। पर अब हम क्या करें सर? इट्स टू लेट, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर, अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है बताएंगे? हे भगवान, फिर वही सवाल। 200 करोड़। उसका 25%, 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। 50 करोड़? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हैं?
कैपिटेशन ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए कमाएंगे, एक साल में पूरा पैसा निकल आएगा। मैंने पैसा कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया सर। शुरुआत में सब यही कहते हैं। अरे अब अचानक 50 करोड़ के लिए कहाँ जाए हम, सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट हो गया। आपकी हालत में समझ सकता हूँ, आदि शेषन की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ये वॉयलेशन का मामला तो उन्होंने ही शुरू किया है, इसके बावजूद अगर ये काम करना है तो 50 करोड़ देना ही पड़ेगा। जनता की सेवा करने के लिए भी क्या 50 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ेगी? इसीलिए शुरू में ही मना कर दिया था मैंने। सर 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 प्लीज सर, शिवाजी इधर आओ। चीटर्स रास्कल्स। शिवाजी इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, पैर फंसे हैं हमारे, निकलना नामुमकिन है। करेक्ट मौका देखकर वार किया साले आदि शेषन ने, कर्जा वर्जा कुछ भी करके वो जो मांग रहे हैं उसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। शिवाजी चलो। शिवाजी मकान के मदर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सर 8,750 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है सर। जितना लोन आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए सिर्फ मकान गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, ये लीजिए शिवाजी के नाम की जमीन, ये खेत, ये प्लॉट, ये शेयर, इन्वेस्टमेंट। जहां जहां क्रॉस किए हैं वहां साइन कर दीजिए। फिक्र मत करो शिवाजी, अपने सपने के बारे में सोचो। अजरा संभाल के ध्यान से। हाय भारती, हैप्पी दीपावली। आप जैसा परिवार तो हमने आज तक नहीं देखा। आपका जबरदस्त प्यार और पैसा देखकर हम जरा डर गए थे, लेकिन आपके नेकी और शराफत ने हमारे दिल जीत लिए। इनकी कुंडली दे दीजिएगा। यस, हैप्पी दीपावली। थैंक्स। दिखा दी ना तुमने अपनी जात आनंदम। आइए आइए आइए। तो मैं? अगर किसी के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हो तो रोक लगा पाना नामुमकिन हो जाता है आदि। तो तुम्हें क्यों बिठाया है वहाँ पे? सरकार किसी एक आदमी की नहीं है, जब भी जनता के लिए चार अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं एक आद को तो परमिशन देनी ही पड़ती है। ए वेलो, ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात करता है रे। ये 50 करोड़ रुपए बोल रहे हैं सर। और उन करोड़ों का क्या जो मैंने तुम्हें खिलाए? उन करोड़ों का अरबों बना चुके हैं आप, अब दूसरों को भी चार पैसे कमाने दो। तो ऑर्डर नहीं बदलोगे? मुमकिन नहीं, ऑर्डर निकल गया है, जियो भी भेज दिया है। तुमको ही बदल दे तो, तुम्हारी सरकार पलट दे तो, अपोजिशन को ले आए तो, तुम्हारी सरकार गई आनंदम। सुधाकर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है, इंतजाम करो, पैसे की परवाह नहीं। हाय, क्या हुआ, कुंडलियां मिल गई? शादी कब करेंगे? कैसी शादी, किसने कहा? इतना मेल जोल बढ़ाया, पसंद किया, कुंडली भी मांगी। कुंडली मांगी थी मम्मी पापा ने, आप आए, हम मिले जुले फ्रेंड्स बने, ठीक है, पर शादी करने। सुनिए, मंजीरा कितने का है? अरे यहाँ मंजीरा नहीं बेचते। अरे आप रुकिए। यार मुझ पर बॉम्ब क्यों गिरा रहे हो? शादी के लिए कुछ बातों का मिलना बहुत जरूरी है और हमारी कोई बात नहीं मिली। वो कांजीवरम का मंजीरा देना है। दूं क्या, चटपटा सा जलजीरा? कौन सी बात का मेल नहीं बैठ रहा? छोड़िए ना, कह दूंगी तो बुरा लगेगा। I want to see the manager. I am the manager. चल पूछा। दुख तो नहीं बताने से भी होगा, कोई परवाह नहीं, बोल दो। हाथ दिखाइए। समझ गए, ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? ए! काला किसको बोल रही है रे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कविराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले। एक कान खोलकर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। है, 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 है। हिंदुस्तान में दो चीजों की बात कभी नहीं करनी चाहिए, आदमी के रंग की और नेताओं के ढंग की। ओ पब्लिक में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कूल कूल कूल। देखो मुझे पता है तुम रंग देखकर फैसला करने वालों में से नहीं हो, वजह कुछ और है, बताओ।
और कोई बात नहीं है, बस यही वजह है। ये कस्टमर परेशान है। ए मामा, चुप रहो, वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। मैडम मंजीरा। हेलो मैडम, जस्ट अ मिनट, तुम गोरी मैं काला, यही प्रॉब्लम है ना? मैं गोरा होके दिखाऊंगा। तुम्हारा गोरा होना नामुमकिन है, इस पर डामर डालकर इसी को काली बना दो। ए, मैं गोरा होके दिखाऊंगा। अरे शिवाजी, अरे कुछ नहीं, ये क्या कर डाला कीचड़ में? लगभग नायक के अनिल कपूर हो क्या? ये मुल्तानी मिट्टी, नेचुरल थेरेपी, इसको धोने के बाद मैं ऋतिक रोशन दिखूंगा। में बस्ता
खुशियों की दुनिया देता है, पल में सबका होता है, इसकी बातों में मिटता है, रंग रंग में लावा बहता है, अंगारा दिल में पालता है, हीरो में हीरा है भाई, कंप्लीटली एंजॉय। वो थोड़ा मूनलाइट मिल जाए दो तो सच्चा था सच्चा मैं हूँ रे yes. ऐसा हूँ ऐसा मैं हूँ रे अब देखो कैसा मैं हूँ रे yes. Am I black or white? Does it really matter? Am I black or white? This is me. This is you. This is what I'm telling you. Give me one chance, darling. क्यों हिला डाला ना? ये क्या कर लिया? फोटो नेगेटिव जैसे दिखते हो। बेवकूफ समझती हो क्या? काला कहा तो क्या क्या करके गोरा बना और अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सच कहूँ तो मुझे आपका काला रंग ही पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बच गए भांजे, जाओ जाके सबसे पहले आटा धोकर आओ। फिर पहले मुझे क्यों काला कहा तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली लेने वाले हैं। मैं तो सिर्फ आपको टाल रही थी, उसकी असली वजह रंग नहीं चरम कुंडली थी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से वृक्षीर्ष और धनिष्ठा नक्षत्र वालों में विवाह संपन्न हुआ तो सुन लो, पति की मृत्यु निश्चित है, पत्नी रोएगी विधवा बनकर, ऐसा सुखदेव ने कहा है। वर शिवाजी चित्रा नक्षत्र और वधु धनिष्ठा है, यह बहुत खतरनाक है। 13 तरह के मेल में दूसरी बातें आगे पीछे हो सकती हैं, पर रज्जू का मेल बहुत जरूरी है। दोनों के ग्रह मिलते ही नहीं। दोनों की कुंडलियों में 2, 7 और 9वें स्थान पर नीच ग्रह बैठा हुआ है, बड़ी मात्रा में धन हानि होगी। कन्या के कारण वर पे संकट आ सकता है। अगर इनकी शादी हुई तो वर के प्राण को खतरा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी जबान पर तिल है, मैं गलत नहीं बोलता। आप लोगों का भला करने आए हैं और मुझसे शादी करके आप पर कोई विपत्ति ना आए, इसी का डर था मुझे। इतनी सी बात, ये प्रॉब्लम है? अरे यार मेरे ज्योतिषी ने पता है क्या कहा? अगर मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे पास जो 200 करोड़ रुपए है वो 1000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सेकेंड ओपिनियन के लिए हम दूसरे ज्योतिषी के पास गए, उसने पता है क्या कहा? समझिए दोनों लोग पहले से ही शादीशुदा हैं और जुड़वा बच्चे ऑन द वे। हाँ, अब किसका भरोसा करें? इन सब बातों को सुनते रहे तो जी नहीं पाएंगे। मुझे तुम पसंद हो, और तुम्हें? तो फिर फिक्र किस बात की? मौत का दिन मालूम हो जाए तो जिंदगी का हर एक दिन नर्क बन जाता है, संतोष होना जरूरी है। मेरे साथ शादी करके तुम खुश रहोगी ना? कूल। शुभमस्तु। चेन्नई के निवासी रामलिंगम जी की सुपुत्री विद्या भारती और धर्मपुरी के आर मुखम जी के सुपुत्र शिवाजी का आने वाले महीने की 5 तारीख के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कराने का निर्णय बड़े बुजुर्गों ने लिया है, इसीलिए शगुन के थाल बदलकर मंगनी की रस्म पूरी की जाती है। आइए आइए, आना तो मुझे चाहिए था आपके पास ब्लेसिंग के लिए। आप नए मंत्री हैं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। आप ही किंग मेकर है, या आपने सबको दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुंह से नहीं, काम से दीजिए। अरे आप आदिशेषन है तो मैं अल्सेशियन हूँ, पूरी जिंदगी दुम हिलाता रहूंगा। रोको ये सब,
बंद करो, स्टॉप इट आईसे, क्यों तोड़ रहे हो सब? यहाँ आईटी पार्क फ्यूचर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गलत है। ए, इसे तोड़ो। ए, समझ क्या रखा है? हर बार नया कारण बताकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। 50 करोड़ रुपए लेकर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर ये कहाँ से आ गया? सर, ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप चाहे तो मैं कल आता हूँ, तब तक आप किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं सर, उस जगह पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस बेवकूफ ने आपको परमिशन दे दी? नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिल सकती। सर, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं गए हैं, टेबल से टेबल, बेंच से बेंच, अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री, इसको उसको जितना चाहिए तो सब दे चुके हैं। आपने दिया है उन लोगों को, उन मंत्रियों को, हम फ्रेश हैं, बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं भैया। सीटों के दाम, इलेक्शन एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, एमएलए लोगों की कीमत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें क्या करना ये बोलिए। आपके प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? क्या क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं सर, 200 करोड़। उसमें से 25%, 50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी मैं देख लूं। अबे साले भिखारी, मैं क्या ब्रॉकल चलाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ या दारू का अड्डा चलाने के लिए? छोड़ दो, रास्कल, क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो शिवाजी, ये तो गांधी जी के स्मारक के लिए भी लोगों से पैसा। ए मामा, तुम चुप रहो। ए, तुम मुझे परमिट दोगे या नहीं? ए, तमीज से, तमीज से। अबे तेरे जैसे भिखारी से तमीज कैसे? मेरे पास आकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? पैसे दिए बगैर तुम ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोल सकते। नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, मजिस्ट्रेट कोर्ट, एपलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। आप जरूर प्रयास कीजिए। कहिए शिवाजी, कैसे हैं आप? आपके विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं? कोई मदद चाहिए तो बोलिएगा। ए, कैसे इंसान हो तुम? कीड़े मकौड़े से भी गए गुजरे, तुम्हें तो अच्छी मौत भी नहीं मिलेगी। क्या बोला तू? नहीं, शांत शांत साहब, अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लोफर। कास्ट आयरन केस है, जीतना ही है। गवर्नमेंट बदल गई तो उनके दिए हुए जीओ को आर्बिट्रेली ये लोग कैंसिल कर देंगे क्या? गलत है, किसी भी कोर्ट में नहीं ठहरेगा। सुबह कोर्ट जाते ही एक रिट डालकर उस स्टे को वैकेट करवा देंगे, नहीं तो स्टे ऑर्डर का स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ये मेरा 25 साल का सपना है, 20 साल की मेहनत है, मैंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी है। मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ गिरवी रख दिया। इस सपने को कैसे भी बचाना होगा। फिक्र मत कीजिए, इन लोगों से दस्तखत करवा के अप्रूव होने के बाद ही बिल्डिंग बनाई है ना। मैं देख लूंगा। भाई साहब, फीस वीस बाद में देखेंगे। ओके सर। थोड़ा सा एडवांस के लिए कहिए। कितना होगा सर? 20 लाख। 20 लाख? 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बचाना है ना। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो चुकी है। एडवांस के लिए मेरी कार रख लीजिए। नहीं सर, नहीं, बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप फील मत कीजिए। मैं क्या पैदा कार के साथ हुआ था? बचपन में भी नंगे पैर चला हूं, बस में घुमा हूं। आप ये केस जिता दीजिए, बस इतना ही। ये लीजिए शिवाजी, कितने प्यार से तुमने ये कार खरीदी। सर, आप चाहे तो घर तक ड्रॉप कर दूं। जी नहीं, कूल, अब पैदल चलने की आदत डालनी होगी। चलो। शिवाजी फाउंडेशन के लिए पहले आपको सब सरकारी विभागों से अनुमति नहीं मिली थी, सच है? सच है। 16 विभागों से संबंधित सरकारी ऑफिसरों को 4 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी आपने, ये बात सच है? ऑब्जेक्शन, अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि रिश्वत ले सके। बीच में मत बोलिए, आपकी जिरह खत्म हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए दिया आपने, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मिनिस्टर अनंतम ने अनुमति देने से मना किया था, सच है या नहीं? सच है। तब आपने उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी? दी थी, पर देश की भलाई के काम को पूरा करने के लिए दी थी। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज हेल्पलेस। तमाम गवाहों के बयानात और तहकीकात के बाद अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों में गलत एवं गैर कानूनी तरीकों से रिश्वत देकर अनुमति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है, इसलिए ये अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसके लिए सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है।
क्या शिवाजी, ये क्या हो गया? काश कि तुम मेरी बात मानकर 5-star होटल, रियल एस्टेट बिजनेस कर लेते। इन जालिमों ने मिलकर तो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करोगे शिवाजी? बोझा उठाओगे या फिर दूध भेजोगे या ऑटो वाटो चलाओगे? चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूँ, ठीक है? अरे अरे, इसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बिना मेहनत के बैठे बैठे खाने का एक तरीका है, तुम करोगे? हमारा राष्ट्रीय पेशा। 550 के नोट, चिल्लर है वेलू, देना जरा। हे भगवती भवानी मैया, इनके धंधे को बरकत देना मां। मेरा हाथ बहुत लकी है, इसलिए बोनी मैं ही करता हूं। भीख मांगो शिवाजी। एक्सक्यूज मी सर, आपका मकान, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके सारे खेत सब मिलाकर भी आपके कर्ज की रकम पूरी नहीं होती, इसलिए वैल्यूएशन होने तक आप एक भी चीज इस मकान के बाहर नहीं ले जा सकते। सॉरी सर, आपकी रोलेक्स घड़ी भी हमारी लिस्ट में शामिल है। सॉरी बाबा, सॉरी माँ, जब तक मेरे हालात नहीं बदलते आप गांव जाकर रहिए। कोई अफसोस नहीं है बेटा, तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले हम लोग ऐसे ही तो थे। शिवाजी, दरअसल मेरे हालात कुछ बिगड़ गए हैं, शादी थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी, बस यही बताने आया था। कोई बात नहीं, आप जब कहेंगे शादी हो जाएगी। नहीं बाबा, ये शादी अब कभी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो भारती? मैंने आपको पहले ही मना किया था, आप ही ने मुझे बातें बना के फुसला लिया। सिर्फ मंगनी हुई तो ये हो गया, कल शादी हुई तो पता नहीं चोची ने भी मना किया था। अगर आपको कुछ हो गया तो ये सब तुम्हारी कल्पना है। कैसी कल्पना? जो इमारत लगभग पूरी हो गई थी उसे तोड़ना क्यों पड़ा? करोड़ों रुपए थे आपके पास, क्यों पलक झपकते ही सड़क पर आ गए आप? Oh, it's a coincidence, damn it. नहीं, इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो सकती, चाहिए और आज के बाद यहां मत आइएगा। के बाद यहां मत आइएगा। लाख 5-star होटल में खाना खाओ, फुटपाथ पे खाने का मजा ही कुछ और है। लो खाओ। तुम वापस अमेरिका लौट जाओ शिवाजी। नहीं,
यह मेरा वतन है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? मुझे देश के लिए कुछ करना है। कैसे शिवाजी? इस एक रुपए के सिक्के के दम पर। पट आया तो सीधा रास्ता, चित आया तो शेर का रास्ता। मेरा रास्ता ईश्वर तय करेगा या इत्तेफाक। आज से मेरा रास्ता शेर का रास्ता। सर, कल सवेरे आपके घर बारात आने वाली है। बारात? हमारे डिपार्टमेंट की भाषा में रेड सर। फौरन अपने अकाउंट डॉक्यूमेंट अपने किसी सेफ जगह पर रख दीजिए। ए, क्या बकते हो? सर, रिपोर्ट कंफर्म है, टॉप सीक्रेट। एमपी या दिल्ली में किसी को ट्राई मत कीजिएगा। आपकी सारी फोन लाइन टेप की जा रही है। फार्म में खाद खत्म हो गई है, अर्जेंटली मंगवाई है, इसे वहां पहुंचा दो जल्दी। ए, बीच सड़क पर क्यों खड़े हो? गाड़ी किस तरफ जा रही है? तांबरम तक। हम रास्ते में उतर जाएं। अरे तो बिना जान पहचान के बैठा ले। तुम्हारे मालिक के फ्रेंड हैं हम। गाड़ी अंदर जाएगी, आप लोग यहीं उतर जाओ। ए, वैसा में, उठो उठो, मालिक ने खाद भिजवाया है, अंदर रख लो इसे। ठीक है। अभी तक बारात क्यों नहीं आई सोच रहे हो क्या? शादी तो कल रात को ही हो गई थी, अब तो रिसेप्शन है। नहीं समझा? फार्म हाउस में दो ही आदमी, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब। ए, कौन है बे? महाराष्ट्र की शान। शिवाजी? क्यों सिर्फ नाम नहीं हिला डाला ना? क्या चाहते हो बोलो। खाद का व्यापार तेरे दिए हुए एक रुपए से ही शुरू किया है, तुझसे कुछ बिजनेस करना है। मैं इनकम टैक्स ऑफिस के सामने वाले टी स्टॉल पर वेट कर रहा हूँ, तू आराम से आ जा। पर 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं खाद की बोरियों के साथ अंदर चला जाऊंगा। साहब भजिया। धन्यवाद बॉस। साहब बुला रहे तुम्हें। अबे मैंने बुलाया है उसे। आइए,
बैठिए। साहब के लिए गरम भजिया और चाय। काम की बात करो। तुम्हारे बुक्स, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट सब देख लिए हैं मैंने। बेनामी नाम से घर, जमीन जायदाद, पैसा, बॉन्ड्स, डॉलर, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है ना तुम्हारे पास? तो तुम्हें क्या है? भजिया खाओ। अरे खाओ ना यार, उसमें से आधा मुझे दे दो। भजिया नहीं, पैसा ना दू तो? सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हाँ उधर देख। हाय। ए मामा आगे बढ़ो। रोको, होल्ड ऑन। तेरे 200 करोड़ रुपए चाट लिए जाएंगे, सीजीज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, अरेस्ट तक जाएंगे। खबर देने के लिए मुझे 10% यानी 20 करोड़ रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी हर हाल में मेरा बिजनेस सक्सेस है। व्हाट्स बेटर, पूरा पैसा गवाना या फिर आधा? डरा रहे हो क्या? वेलो जी साहब, कमिश्नर को फोन लगाओ। आदि, ये कोई कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं है ना? ब्लैक मनी है यारा, कंप्लेन करोगे कैसे? चोर को सांप सूंघ गया हो वैसे चुप रहना पड़ेगा। तुम अकेले हो, मेरे साथ गवर्नमेंट है। मेरे हाथ में तेरी गर्दन है। रिपीट। रुको से, स्टॉप। होल्ड ऑन। मैं और 24 घंटे का टाइम देता हूँ तुझे। 100 करोड़ निकाल के रखना, उसे कहाँ और कैसे लाना है मैं फोन पे बता दूंगा। चाय पी। कितने हुए बॉस? आदि पे कर दे, मेरे 100 करोड़ से काट लेना। कंडक्टर जैसे स्टाइल में करते हो तुम तो। हाय। हे भगवान। मुझे देखते ही मूड स्विच ऑफ कर लिया। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? खुद को भी दुख देते हो और मुझे भी। जाओ यहाँ से। हम तो फ्लूट खरीदने आए हैं, इसे जरा बजा कर दिखाओ। देखो प्लीज मुझ पे दया करो। मैनेजर, फ्लूट खरीदने आए हैं तो कहीं और से खरीद लो, ये कहकर भगा रही हमको। हाँ ये क्या हो रहा भारती, तुम्हें कस्टमर से अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए। फ्लूट। सुनो मेरी बात, अगले 24 घंटे में मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, जल्द ही यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। पैसे की बात नहीं है, जान चली गई तो। गिव मी अ ब्रेक यार, क्यों कुंडली के चक्कर में जिंदगी खराब कर रही हो? तुमसे शादी की तो मर जाऊंगा, यही ना, तुमसे शादी नहीं की तो भी मर जाऊंगा, मेरा मरना तो तय है। सच में अपने प्यार की हार में ट्रेन के नीचे कटके मर जाएगा। ये कब कहा मैंने? करो, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, सेंटीमेंटल करके हाँ बुलवा लेंगे। बेकार में डराइए मत, जाइए। ये धमकी नहीं है, कल शाम 5 बजे बंदलू लेबर क्रॉसिंग के पास आ जाना, शिवाजी ट्रैक पर रेडी रहेगा, यदि हाँ कहा तो शादी होगी वरना चिता जलेगी। आओ। ये क्या कह दिया तुमने? मैं तेरा कौन हूँ? मामा। उसी का फर्ज निभा रहा हूँ। ए मामा, तेरा ये आइडिया बिल्कुल बकवास है, जो तेरे मुंह में आया तू बकता चला गया। शिवाजी, ये लड़कियां समझाने से नहीं समझती, कुछ उल्टा सीधा करोगे तभी काम बनेगा। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम ज्यादा बात मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया है, मैंने जो कहा तुम्हें याद है ना? ए मामा। क्या बे? तुम मेरे साथ कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं कर रहे हो ना? ए हटो, बहुत अर्जेंट है भाई। शिवाजी ट्रेन चल पड़ी। भारती तो चली गई। सुसाइड कैंसिल, तुम ट्रैक से हट जाओ। जा बे।
भारती को टाटा बोल रहा है। मेरी टांग फंस गई मामा। क्या टांग फंस गई? तो फिर पैंट उतार और वहां से भाग जा। ट्रेन 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 क्या हुआ? गैस प्रॉब्लम। ट्रेन ट्रेन को रोक ले। ये हटो। क्या कर रहा है? ट्रेन खींच रहा हूँ। क्या कर रहा है? ट्रेन क्यों खींच रहा है? अरे एक आदमी ट्रेन घुस गया यार। मर गए रे बाप। बाबा अरे टूट गई रे चैन। अरे बाप रे। सागर तू ही मेरी पद्मा, सारे जहां में नहीं कोई दूजा, गूंजे तेरा ये प्यार। ओ राही ओ राही कहां है तेरा ये दिल, तू आ जायो तेरे सामने है मंजिल।
पलकों को दो ये चांदनी साथ में आई है दिलरुबा प्यासे होठों को आग ये पीने दो गई चांदनी फिर प्यासी न हो जिगर को जला दे हर पल नूर आई न पन के बिखर गया देखो इधर के चाबी एक रुपया देकर शुरू करवाया तुमने पहले ही बिजनेस में 100 करोड़ तुम्हारा हाथ बहुत लकी है आदि तेरा बिजनेस अभी पूरा नहीं हुआ छोड़ दो ये पैसे जब तक मेरे पास नहीं पहुंच जाते इसको नहीं छोड़ूंगा ए मामा गाड़ी निकालो तिलक लगाकर मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूं पुराने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख आदि हूं काशी में दुखा आदि फोड़ के रख दूंगा आप जाने दीजिए सर हम देख लेंगे इसे हम देख लेंगे आप जाने दीजिए अब ए वेलो सर पैसा मेरे घर आएगा और लाश इसके घर पर किससे पंगा लिया है तूने ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं शेर अकेला ही आता है
फिनिश। आठ बोरी इंग्लिश पेपर की है। अच्छा, छह बोरी हिंदी पेपर की है। ठीक है, स्टारडस्ट फिल्म फेयर की चार बोरी है। अंदर के कमरे में रखकर पैसा ले जा। ये मामा, हाँ। इतना सारा माल यहाँ रख रहे हैं, सेफ तो रहेगा ना? अयप्पा मेरे साथ पढ़ता था, 100% भरोसे वाला है। फिलहाल इसकी दुकान में ही मिलेगी हमें फुल सेफ्टी। शिवाजी, काफी पैसे जमा हो गए हैं, अब जो करना है जल्दी से निपटा के शिवाजी फाउंडेशन का उद्घाटन करना चाहिए। नहीं मामा, अगर अकेले आदि के पास पूरे 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितना होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा। कहना क्या चाहते हो शिवाजी? लो दोस्त, चाय पियो। और कुछ भिजवाओ? बस है पा। ठीक है। इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है, इसकी यही वजह है ये काला पैसा। हम वो सारा काला पैसा बाहर निकालेंगे। शिवाजी फाउंडेशन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। गांव गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गांव गांव में सड़क बनाएंगे, रोटी देंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितना काला पैसा है और कहाँ है। कैसे शिवाजी? पैसे वालों के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर, नौकरी से निकाले गए लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उनके साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। वो लोग कभी मुंह नहीं खोलेंगे शिवाजी। मैं खुलवाऊंगा। पर कैसे? उसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा। कैसी तबीयत है? बर्दाश्त नहीं होता सर। आई एम सॉरी। जिसने हमें आपको मारने के लिए भेजा था वो नहीं आया। आप आए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमें दूसरा काम नहीं आता सर। बेटे यहाँ आओ। तुम पढ़ते हो? पोस्टर लगाता हूँ। अरे यार, इन मासूमों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर तुम बुराइयों का साथ क्यों दे रहे हो? अच्छे कामों के लिए कौन बुलाता है सर, और हमें कुछ और आता भी तो नहीं। यही काम मेरे लिए करो, अच्छाई की खातिर। बोलो करोगे? अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मैं दूंगा। बोलो क्या कहते हो? ए, जब वो बुला रहे तो जाते क्यों नहीं हो? कोई काम तो करते नहीं हो। आप जाओ साहब, मैं भेजती इसको। हम आएंगे बॉस। I think there must be a discussion about the Indian economy. उसने ड्राइवर लोगों को क्यों बुलाया है? आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। सिर्फ हमारे स्टेट की बात करें तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी छुपा के रखा गया है। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। आप जैसे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर लोगों को सही मायने में मालूम होता है कि उनके मालिकों ने काला पैसा कहां छुपा रखा है। कानूनन वो सारे पैसे जनता के विकास में लगने चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके किस किस ने कहां कहां कितना काला पैसा छुपा कर रखा है
आप हमें बता दीजिए। शाबाश, गद्दारी करने के लिए कह रहे हो? नहीं, देश को बचाने के लिए। कैसे? मैं उन पैसों को जनता के लिए खर्च करूंगा। ये सब हम आपको क्यों बताएं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, सीएम हैं? भैया मैं हूँ पीएम, पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुँचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। पर ये सब गैर कानूनी है। काला धन रखना और उसे छुपाने में साथ देना भी गैर कानूनी है। भैया हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती है। आज उनके चुराए एक एक रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तुम्हारे मालिकों का टैक्स ना भरना तुम्हारे साथ किया हुआ धोखा है। भैया आपकी बात मेरी समझ में आ गई। भैया एकदम भैया, हटो 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 हटो। भैया आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुप रहो। We can't be dishonest with our profession. ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो यहाँ आकर जानकारी दे सकते हैं, बाकी बचे लोग वहाँ ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। ए, उठो भैया, चलो चले आओ। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया का इकलौता सत्यवादी हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना, जानकारी देंगे हम, पैसे कमाएगा ये। ऑफिस रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे, यहाँ आकर जानकारी देंगे या ऑफिस रूम में वेट करेंगे? हम अभी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। कूल। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। आई वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि आपके नेशनल इंटरेस्ट वाले काम में थोड़ा सा योगदान करूं। ऐसे हेलो मंत्री जी, सोने के जेवर, सोने की गिन्नी, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, अनुपम नाम के किसी अनजान आदमी के पास रखे हुए नकद पैसे, कुल मिलाकर 156,60,30,000 रुपए हैं आपके पास। उसमें से आधा मेरा, आधा आपका, नहीं तो पूरा इनकम टैक्स का। क्या ख्याल है? कौन हो तुम? बॉस। अब कहाँ शिवाजी? न्यूयॉर्क। अनऑफिशियली ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे जा रहे हैं। जो भी गाड़ी बड़े पार्सल के साथ मिले उसे फौरन चेक करो। मटेरियल रिसीव्ड। हैंड ओवर द मनी टू द कंसर्न पार्टी। आइडेंटिटी 1,000 rupees इंडियन करेंसी। सीरियल नंबर 5BD714592। फ्रेंड्स, ये सारे पैसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांटकर दुनिया भर में फैले आपके जान पहचान वालों को भेज दीजिए, और फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के अकाउंट में डोनेशन के तौर पर इंडिया भिजवाने के लिए कह दीजिए। इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे। डोंट वरी शिवाजी, हम देख लेंगे। थैंक यू। हाय, आई एम शिवाजी बड़ी। कूल। हाय शिव, यू गॉट अ मेल।
वाओ, हमारा भेजा हुआ ब्लैक मनी बूमरैंग की तरह घूमकर फिर हमारे पास आ गया, वाइटर देन वाइट। इसे हम पब्लिक के कामों में लगाएंगे तो कानूनन कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। काले पैसों को तो हमने वाइट कर दिया, अब काले पैसे वालों को वाइट करना पड़ेगा ना। क्या मतलब शिवाजी? अरेस्ट होकर जेल में जाएंगे तो अंदर तो सभी वाइट होंगे ना। हेलो, इनकम टैक्स ऑफिस, इन्वेस्टिगेशन विंग को दीजिए। जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ डंडा घुसाएगा शिवाजी। सर, मेरे पास आदिशेषन आनंदम समेत कई लोगों की ब्लैक मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं। आपको रेड करने में आसानी होगी। इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवाइए। ओह यस, अभी भिजवाता हूँ। सर, सर, सर। कौन है रे? ड्राइवर सर, आपसे कोई मिलने आया है। क्या है, बोलो। माफ कर दीजिए सर, ये लोग। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या है, किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। सॉरी सर, वी आर फ्रॉम सीबीआई। अबे तेरी सीबीआई, सिंगल पीस घर नहीं पहुंचेगा। ए वेलो, मनी। आपके पास करोड़ों रुपयों की ब्लैक मनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है। इस बात की खबर किसने दी? पता नहीं। मुझे पता है शिवाजी, उसके पास भी तो बेहिसाब पैसा है, उसे पकड़ने के बजाय यहाँ चले आए। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। आपने इन सब का हिसाब नहीं दिखाया, जरा इस पंचनामे पर दस्तखत करेंगे? करोड़ों रुपयों का काला धन अमेरिकन डॉलर्स की शक्ल में छुपाकर रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। आयकर विभाग एवं सीबीआई के अधिकारियों ने आज पूरे राज्य में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के घरों और दफ्तरों में अचानक छापे मारकर करोड़ों रुपयों का काला धन जब्त कर लिया है। कर चोरी, हवाला और फॉरेन करेंसी रखने के जुर्म में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? तुम अंदर जाकर क्या करोगे आदि? पत्थर तोड़ोगे? घास काटोगे? बर्तन मांजोगे? मैं यहाँ के जेलर से कहकर किचन में रोटी बनाने का काम दिला दूँ? ओहो, उसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बैठे बिठाए बिना मेहनत के एक काम किया जा सकता है, करोगे? वही सलाखें गिनना। क्यों हिला डाला ना? गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा, जवाब तो दूंगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सहा नहीं जाता मुझसे, पलट कर वार तो करूंगा मैं। ए, ये वार करके तुझे जो मिला वो काफी नहीं है तेरे लिए? ए, मैं आदि हूँ, तेरी माँ की आरती उतारूंगा। दिल्ली वालों ने डंडा किया हुआ है, स्टेट लेवल पर कुछ नहीं हो सकता। मैं कबिन। कौन है रे? बॉस। हेलो, और तुम लोग क्या चाहिए तुमको? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? रिश्वत जो दिया। हेलो मंत्री जी, एक जरूरी मीटिंग में है, आधे घंटे तक किसी को अंदर मत छोड़ना। साइन करो। ये क्या है? पढ़कर देखो। त्याग पत्र तो नहीं है? शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग किसी सरकारी या रेसिडेंशियल जमीन पर नहीं बनी, लिहाजा सरकार यह आदेश देती है कि शिवाजी फाउंडेशन पर लगी रोक हटाकर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझ गए? सिग्नेचर एक कुमार बैलू। नहीं करो। दस्तखत करो। मिनिस्टर को चाकू दिखा रहे हो, तुम पागल हो क्या? 10,000 का स्टाफ, कदम कदम पे पुलिस, बच के निकल जाओगे। छुरी अंदर रखो वरना। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? सचमुच घुसा दिया रे। अरे अरे, तुम क्या मजाक समझे थे? खून देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती ना। साइन करो। साइन करोगे? साइन या केबल काट दूं सारे? करता
करता हूँ करता हूँ। डॉक्टर आपको अंदर बुलाया है, जाइए सर। चेयर करने का टाइम है क्या ये? सोचा धमकी दे रहा है मुझे, साले ने सचमुच घुसा दिया। डॉक्टर ये जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। इस बार तो सील दिया है, बाहर मुंह खोला तो अगली बार सारे केबल काट दूंगा, समझे? इसका ख्याल रखना। सबको नमस्कार, हम आपके गांव में सभी घास की झोपड़ियां हटाकर पत्थर के मकान बनवाएंगे, पाठशालाएं बनवाकर आपके सारे बच्चों को खाना देंगे, शिक्षा देंगे, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी का प्रबंध करेंगे। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि आप खेती करें और गांव में हरियाली लाएं। अगर इन बातों पर अमल किया तो एक साल में आपका ये गाँव कुछ इस तरह दिखने लगेगा। इस जमीन पर किससे पूछकर तुम ये प्लान बना रहे हो? अच्छे काम के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी जमीन है, इसके लिए तहसीलदार, वीएओ, सरपंच जी, हम सब की परमिशन आपको लेनी होगी। काम में हाथ बटाने के लिए तो कोई नहीं आएगा, टांग अड़ाने के लिए सारे चले आएंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए एप्लीकेशन रेडी है, साइन करो, अपने चार्जेस लो और दफा हो जाओ यहाँ से। हमें ये मंजूर नहीं। हाँ मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो लोग गाँव का भला चाहते हैं वो दस्तखत कर दें, और जो नहीं चाहते वो ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। क्यों, हम क्यों ऑफिस रूम में जाकर वेट करें? अबे गधे, ऑफिस रूम में असली मैटर है। आइए आइए आइए, खाने के लिए सभी आइए, ऑफिस रूम में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलिए। यहाँ प्लेग्राउंड, यहाँ वृक्ष, यहाँ पर पार्क, और उसके पास टॉयलेट, और फिर उसके आगे रहेगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तहसीलदार प्रेजेंट सर। सरपंच प्रेजेंट सर। मेरे लिए के फैसला होगा। पूरे जिले में जितने भी बेरोजगार हैं, अंगूठा छाप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सारे खड़े हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पर सिर्फ सिग्नेचर की देर है। सबकी बेल कराते कराते मुश्किल हो गई, जितना भी ब्लैक का पैसा था सब गया। इलेक्शन आ गए तो किसी के पास एक ढेला नहीं है, वो क्या कर लेता, एक आध कॉलेज बनवाकर चला जाता। आपने खामखा उंगली करके सुपरस्टार बना दिया उसे, जहां तहां कॉलेज खोलता जा रहा है, सड़कें बनती जा रही हैं, पानी आता जा रहा है, किसी मंत्रिमंडल की तरह हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट टीम रखकर वो लगभग एक प्राइवेट गवर्नमेंट चला रहा है। कल को वो सीएम बन जाएगा। दुश्मन होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं। ए वेलो, उड़ा दो उसको। उड़ाने वाले सब लोग उसी के पास हैं। तो फिर उसको उठाकर अंदर कर दो। नहीं कर सकते,
एक एक पैसे का उसने ऐसा हिसाब रखा है कोई लूप होल ही नहीं है। कानूनन हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ऑफ कुछ करो उसका, गवर्नमेंट तो तुम्हारे हाथ में है ना। उसके हाथ में ऑफिस रूम है, लोगों को ठोक पीट के सीधा बना देता है। वो जनता की भलाई करता है तो जनता भी उसके साथ है, फुल सपोर्ट है उसे। इतना ही नहीं, मेरे ऑफिस में घुसकर मेरे केबल कनेक्शन उलट दिए, इधर की चीज उधर जाती तो है। फिर आप एक कंप्लेन कीजिए ना। तब तो निकलना भी बंद, तब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसका वीक पॉइंट क्या है? नव दंपति के लिए हजार हजार शुभकामनाओं सहित हमारी तरफ से ये छोटा सा उपहार। जीते रहो, जीते रहो। हमें आशीर्वाद दे दीजिए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, फिर भी एक बार तिरुवाला रुजा कर शनि भगवान की शनि प्रीति पूजा कर लो, उग्रता कम हो जाएगी। हे, क्या हुआ? सुहागरात वाले दिन मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? ज्योतिषी की बात सुनकर मन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्द से जल्द तिरुमल जाना है। ओहो, उसी बात पर अटकी हो अभी तक? आज बड़ा खास दिन है, ये दिन तो हमें बहुत खुशी से मनाना चाहिए। बोलो कैसे मनाएं? मुझे तो पसंद है आपका स्टाइल और एक्शन, ऐसा कुछ करेंगे क्या? ए! बस इतनी सी बात? ये बिल्ला रंगा भाषा है, अरे पिस्टल मेरी भाषा है। रतीति रतीति चक ज्योति 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 वफादारी मेरी जाति जाति जाति। और बिल्ला रंगा भाषा है और पिस्टल इसकी भाषा है। रतीति शुक्र तू है एंजल रोजा मेरे छिल गोजा तेरे लटके झटके तुझे देख सांस मेरे अटके सो जा चल शुरू हो जा सर हलके हलके मेरे प्यास ना कहीं छलके गन गन ये स्टंट गन रोजर मूर जैसा टिश्यू आगे इश्क और प्यार प्यार पीछे के चार चार फोन फोन तेरा लव फोन लैरी मर्फी सो है नारे तू मेरी जान जान मैं हूँ आंधी की तरह वो खुल्लम खुल्ला आता है तूफान की तरह वो धुक्कड़ धूल मचाता है। रतीति चक ज्योति 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 वफादारी तेरी जाति 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 ये बिल्ला रंगा भाषा है अरे पिस्टल मेरी भाषा है। रतीति शुक्र झूम जा, 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 झ
ऐसी आंखें क्यों बाकी है महबूबा तेरी लुक दे यू टेंशन ना चपटने दे गैस्ट्रोक जैसे तेरे मैस्ट्रोक खुल के मुझे सुख दे यू ही फर्स्ट नाइट चलने दे बन बन तू स्वीट बन बटर जम मैं हूँ तेरा तुझको बाहू में लेने को है ये बेचैन मन वन टू थ्री फोर फाइव मुझको चुम्बन से भर दे हे तू ही माय फैलेनी मेरी जान वफादारी मेरी जाती 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 अरे बिल्ला रंगा भाषा है और पिस्टल इसकी भाषा है प्रतीती शूट कर धक्का धक्का धमा धमे प्रत्येक शनिवार को शनिचर भगवान को तिल्ली के तेल का दिया जलाकर दर्शन करने से आपके सारे दोषों का निवारण होगा शनि भगवान को नल तीर्थ में अभ्यंग स्नान कराना अति उत्तम सुनो तुम विद्या भारती हो ना जी हाँ स्कूल में तुम्हारी हिंदी टीचर का नाम सीता लक्ष्मी था ना हाँ था तो मगर आपको कैसे पता वो मेरी मौसी है हम लोग यहाँ दर्शन करने आए थे उन्होंने हाँ? तुम्हें देखा तुमसे मिलना चाहती है किधर यहीं पर मंदिर के ऑफिस में सुना है तुम बहुत अच्छा गांधी हो तुम्हारे हस्बैंड अमेरिका रिटर्न है ना हाँ बैठो बैठो घबराओ मत बैठ जाओ कौन है आप लोग सीबीआई सीबीआई बात सुनिए आपको कैद नहीं कर रहे हैं ना ही कस्टडी में लेंगे कुछ नहीं करेंगे आपको चार पांच सवाल पूछेंगे बस मिस्टर शिवाजी कितने बड़े बड़े जुर्म कर रहे हैं आपको पता है उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर पूरे राज्य में इतने कॉलेज हॉस्पिटल फैक्ट्रीज इतने सारे पैसे कहाँ से आए सारे सही रास्ते से आए हैं नहीं ब्लैक मनी है लोगों को डरा डरा कर छीना हुआ काला पैसा है वो गवर्नमेंट को चकमा देकर अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं उसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट कस्टम्स और सारे डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़े हुए हैं ये जानते हैं आप कितने सारे आतंकवादी मिनिस्टर पैसे वाले लोग उनका खात्मा करने के लिए बेताब हैं जानती हैं आप पुलिस भी उनका इनकाउंटर करके उनको खत्म करना चाहती है आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही है बताइए ब्लैक मनी को उन्होंने फाइट में कैसे बदला आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता ज्यादा भोलेपन की एक्टिंग मत कर उसके साथ रहती है फिर भी कुछ नहीं जानती हाँ डोंट बी रूड सर आप इसे मेरे साथ भेजिए मैं देखती हूँ नो नो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नहीं चाहिए इस बेचारी ने क्या किया देखिए मैडम ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस है सच बताएंगी तो अरेस्ट होकर कुछ ही समय में छूट जाएंगे बाहर रहेंगे तो कोई भी उनको मार डालेगा इसलिए क्या बेहतर है फैसला आप ही कर लीजिए मेरे पति बहुत अच्छे उन्हें कुछ नहीं हो सकता ठीक है आप जाइए सॉरी फॉर ट्रबल अगर आपको कोई जानकारी मिले तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए हे मामा आज मेरी वाइफ के साथ डेट है कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए अकेले आया हूँ जो भी काम हो तुम संभाल लेना ओके एक्सक्यूज मी सर हाय थैंक यू क्या हुआ तुम रो रही हो सीबीआई ने बुलाकर मुझसे पूछताछ की थी आप कोई गलत काम तो नहीं करते मैं अच्छा काम करता हूँ मुझे सच बताइए हमारे बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए अरे मेरी जान मैं और तुम कोई अलग है क्या सुनो हाय आई एम शिवाजी बड़ी कूल हाय शिव जब देश का सारा काला पैसा खत्म हो जाएगा
मैं सब जनता को सौंप कर सरेंडर हो जाऊंगा। स्विच ऑफ मैन। मुझे कुछ नहीं होगा, सो जाओ। वर के प्राण को खतरा है, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। आपके पति को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं। आपने 40,000 करोड़ रुपए को ब्लैक से व्हाइट करके भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में फेरा एक्ट के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। नॉनसेंस। आपके पास एविडेंस कहाँ है? यह है आपका पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर। कौन कहता है यह मेरा है? इसे हम तक पहुंचाया आपकी वाइफ ने। उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा ना? कुछ बात कीजिए। उनको कुछ नहीं होगा। ये क्या कर दिया तुमने? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी कभी अपने पति को पुलिस के हवाले करती है क्या? मुझे तो पहले हाँ। पता। एक शब्द भी नहीं, एक शब्द भी नहीं कहेगा कोई उससे। उसने मेरी खातिर ऐसा किया है। इसकी जगह कोई भी लड़की होती तो ऐसा ही करती।
मैं वापस आऊं या शायद ना भी आऊं, इसका दिल कोई नहीं दुखाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। यही सही मौका है, उसे आज ही जेल में ठोक डालो वरना वो जुगाड़ करके बाहर आ जाएगा। ये नामुमकिन है सर, शिवाजी के वॉइस में बोले पासवर्ड से ही ये कंप्यूटर ओपन हो सकता है। किसी और तरह से ओपन करना चाहेंगे तो सारे सबूत एक साथ मिट जाएंगे, ऐसा एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उसने बनाया, वेरी क्लेवर एल्गोरिथम। इसको ओपन किए बगैर हम शिवाजी का जुर्म कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। तो फिर उसको पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेकर उसकी हड्डी पसली तोड़कर ओपन करवाओ उससे। उसके बनाए हुए कॉलेज हॉस्पिटल मिल तो क्या, एक संडास तक नहीं बचना चाहिए। बयान लेकर उसे वही खत्म कर दो। कस्टडी में मारा तो खतरा है, हम फंस जाएंगे। तो फिर पूछताछ के बाद वापस जेल पहुंचाने के बहाने उसकी बॉडी को वैन में डाल दो और कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो, तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। साहब, मैं एसीपी ऑफिस में जीप ड्राइवर हूँ, आपके द्वारा मदद पाने वालों में मैं भी एक हूँ। मेरी माँ मरने वाली थी, आपके अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट होने से उसकी जान बच गई, आपका धन्यवाद। होशियार रहिएगा। कट्टुपक्कम हाईवे पर वैन रोक कर तुम लोग चाय पीने चले जाओ। किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो, तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन लोगों ने मेरा बयान लेकर मुझे मार डालने का प्लान बनाया है। मैं चाहूं तो यहां से आसानी से भाग सकता हूं, लेकिन मैंने कानून हाथ में लिया तो शिवाजी फाउंडेशन नहीं बच पाएगा। मैंने जनता की सेवा के लिए जो कुछ भी किया है उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो लोग मेरा बयान ले इससे पहले मैं अपनी जान दे दूं। भगवान और आप पर भरोसा करके मैं अपनी जान देने जा रहा हूं, इसके बाद सब कुछ आपके हाथ में है। सुनिए, आपको क्या करना है, मेरे जैसी एक डेड बॉडी का इंतजाम कीजिए। विद्या भारती, तुम सोच रही होगी कि ज्योतिष की बात सच निकली, लेकिन इतना जान लो कि मेरे प्यार में तुम्हारी कुंडली से कई गुना ज्यादा शक्ति है। मैं दूसरा जन्म लेकर तुम्हारे पास चलाऊंगा, हिम्मत रखना। भगवान, उनकी जान बचाने के लिए तो मैंने ये सब किया था, फिर भी वही हो गया। कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर। कम, लेट्स गो। करो इसे। ओपन ही तो है। ये क्या मजाक है, तुम्हारे कुछ बोलने से ही खुलता है ना ये, वो क्या है बोलो। बोल गया। क्या हुआ, कुछ बोला इसने? नहीं सर। तो फिर देख क्या रहे हो तुम लोग, मार मार के हड्डी पसली तोड़ दो फिर बताएगा। मारो। अरे मार। नहीं सर। क्यों? मेरी बेटी इनकी कॉलेज में फ्री मेडिकल पढ़ रही है, मुझसे इनको नहीं मारा जाएगा सर। तू मार, मार बोला ना। माफ कीजिए सर,
मेरा भाई इनके मिल में काम कर रहा है, मुझसे इनको मारा नहीं जाएगा, मैं इनको नहीं मार सकता। सबको बाहर निकालो, जाओ सब बाहर जाओ। मुझे भी इसे बहुत कुछ वापस देना बाकी है। एक, दो, तीन। गिनता क्या है अभी? हाँ तुझे वापस जो देना है। अबे तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब ना। उस कंप्यूटर को ओपन कर। सर छोड़िए सर, हमसे भी बुरा मारते हैं आप तो। कंप्यूटर ओपन किए बगैर ही मर जाएगा ये सर। सर सर ये तो अनकॉन्शियस हो गया सर। सर आप जाइए सर, हम देख लेंगे, जाइए। ए डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। अभी भी डॉक्टर ने कंफर्म किया सर। कैसे मरा? आपकी धुलाई से ही मर गया वो। वन सेकंड। सर हम इंडियन एक्सप्रेस से बोल रहे हैं, शिवाजी साहब को पुलिस कस्टडी में मार दिया है, ऐसी खबर मिली हमें, क्या ये सच है? किसने बोला आपको? झूठी खबर है, फोन रखो। यस एनडीटीवी से बोल रहा हूँ, शिवाजी को प्रेस में न्यूज लीक हो गई है। क्या? अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसने इतने लोगों के लिए अच्छे काम कर रखे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो हेल्प कर ही देता है। अच्छा छोड़ो, बॉडी को तुरंत वैन में डालकर निकाल दो, प्लान में कोई चेंज नहीं है। भगाओ भगाओ यार। ए, चलो सब चाय पी लो। तो फिर किधर से जाऊं? आगे से दाएं ले लेना। ऑक्सीजन ऑन कीजिए।
खत्म हो गया। शिवाजी तो मर गया, अब इस कंप्यूटर को कैसे ओपन करें? सर, शिवाजी मर गया तो क्या हुआ? शिवाजी की तरह बोलने वाले किसी को बुलाकर ओपन करे तो? शिवाजी जैसा बोलेगा कौन? हमारे राज्य में जिसकी भी कहो उसकी आवाज नकल करने वाले सुपर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं सर। सर, ये लास्ट चांस है, करेक्ट बोलिएगा। अब देखते जाओ। हाय, आई एम शिवाजी। कूल। हाय शिव, वन वर्ड मिसिंग। कौन सा वर्ड? आई गॉट दैट वर्ड, दैट वन वर्ड आई गॉट इट। हाँ, कम हियर। लग क्या कहा था ना, कंप्यूटर क्रैश होगा। हो गया ना कंप्यूटर क्रैश। ओह नो, शिट। उस कंप्यूटर के अंदर जितने सबूत थे सब मिट गए। शिवाजी फाउंडेशन को अब लीगली कोई टच नहीं कर सकता सर। सबूत मिट गए तो क्या हुआ, सरकार तो हमारे हाथ में है। एक एक ईंट को तुड़वा कर शिवाजी फाउंडेशन का नामो निशान मिटा देंगे। उनका बॉस तो अब रहा नहीं। नहीं सर, एक और बॉस आ गया है। क्या बोल रहा है तू? कोई शिवाजी का फ्रेंड है, अमेरिका से आया है, NRI है। अब वो ही शिवाजी फाउंडेशन को चलाएगा। कल पद ग्रहण समारोह है और आपको इनवाइट भी किया है। कौन है ये? आदिशेषन। हाय, आई एम बच्चन, नाइस टू मीट यू। आई लाइक इट। क्या सर? आपके पीले पीले दांत। सर क्या हुआ सर? ये तो शिवाजी है। शिवाजी है जी। सर चुप रहिए सर, हमने ही तो शिवाजी को मारा था। मारा आपने, चलाया हमने। आप भी क्या बोल रहे हैं सर? नहीं यार, इसमें कुछ गड़बड़ है। मरा हुआ आदमी वापस कैसे आ गया? अरे अरे अरे, देखा तुमने ये तमाशा? अपनी ही मूर्ति को खुद ही माला पहना रहा है। सबको नमस्कार। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूं। शिवाजी के अधूरे छोड़े सारे नेक कामों को और भी आगे ले जाना अब मेरी जिम्मेदारी है। पूरे देश में किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझ तक पहुंचाइए, मैं देखूंगा। सिर्फ यही नहीं, शिवाजी के हत्या करने वाले लोगों को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। थैंक यू सर। आप जरा हमारे साथ आएंगे? या? आपसे पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ? आप ही शिवाजी हैं, ऐसा हमें शक है। क्या कहा? शिवाजी क्या? गुड जोक। शिवाजी वॉज माई फ्रेंड बट ही इज नो मोर। शिवाजी की मौत का सर्टिफिकेट ये रहा। अपनी आंखों से कंफर्म करने वाले आप ही तो थे ना सर? क्यों सर, शिवाजी को आखिर हुआ क्या था? उनके दुश्मनों ने उन्हें शूट करके मार डाला। हाँ, ये सही कह रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि शिवाजी मर गए और आप इनको शिवाजी समझ रहे हैं। अगर आप शिवाजी नहीं तो कौन है? मैं हूँ AB सीनियर। मैं हूँ अभिराम बच्चन। सबूत क्या है? ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ग्रीन कार्ड, ये मेरा क्रेडिट कार्ड, ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। कानूनन शिवाजी मर गए इस बात का सबूत है, कानूनन ये बच्चन है इस बात का भी सबूत है। शिवाजी शिवाजी हैं और बच्चन बच्चन हैं। ये गब्बर सिंह बनने का काम कहीं और कीजिए।
किराए के गुंडे भेजकर उसे शूट करवा दो। तुम ये शो कर देना कि उन्होंने मार डाला। कौन है वो? बॉस, टकलू बॉस। यहाँ क्यों आए हो? वापस देने के लिए। नहीं समझा? शिवाजी की हत्या तूने की थी ना, इस एमएमएस को दिखाकर तुझे फांसी की सजा दिलवा सकता हूँ। तुम गंजे होकर बच्चन बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते। तुम शिवाजी हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शिवाजी भी मैं हूँ, बच्चन भी मैं ही हूँ। तुम्हारे प्लान के मुताबिक शिवाजी मर गया, मेरे प्लान के मुताबिक बच्चन बन के वापस आ गया। फंस गए तुम। पूरा हिला डाला ना। तुम्हें क्या चाहिए? क्या देगा तू? जितना चाहिए ले लो। पूरा ही ले लूंगा तुझे सजा देने के बाद। लेकिन तुझे सजा क्या दूं? शिवाजी की हत्या करने के लिए कानूनन सजा, या मुझे जो अपना हिसाब पूरा करना है वो सजा? हाँ हाँ, तेरे भीख में दिए हुए सिक्के से पूछता हूं। फट गिरा तो कानूनी सजा, चित गिरा तो अपनी सजा। वाह, ऐसा लगता है तुझे कोई नई तरह की सजा देनी होगी। पहले कानूनी सजा। एक ही बटन दबाने से तेरा प्लान पूरे देश में फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं शिवाजी, मैं दबाऊं तो तुम सीधा ऊपर ही फॉरवर्ड हो जाओगे। भैया मैं तो अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। अब तेरी बारी है। अब जो तुझे वापस देनी है वो सजा। और
10,000 और। तो इस सिक्के को भी साथ नहीं ले जा सका। Ha ha ha!